नमस्कार सभी मेरे चैनल व्यूअर्स, माइंड योर साइंस चैनल की तरफ से चंद्र प्रकाश मैं आपके साथ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एजुकेशन वर्ल्ड शेयर करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको ये बात बिल्कुल बताई है कि डीप स्टडी करने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकालने के बाद ही कोई बात आप तक पहुंचाने की कोशिश रहती है। आप किसी भी वीडियोस को मेरी देखेंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं हर पॉइंट के अंदर मैं आपको कोई ना कोई फैक्ट्स जरूर बताता हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ प्रस्तुत करता हूँ और यही हमारे चैनल का मेन मोटिव है। बच्चों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सके, किसी भी लेवल पर जाते जिसको बोलते हैं एक्यूरेट सटीक न्यूज़ विदाउट एनी फैब्रिकेशन। तो अब ज़्यादा मैं लंबी इसको इंट्रोडक्शन को नहीं करूँगा, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। और आज का जो टॉपिक का विषय रहेगा, काफ़ी क्वारीज आ रही है कि सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे, मैंने अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा बच्चे वरीड हैं अबाउट देयर एडमिशंस। सारा सिस्टम बंद है, एडमिशन कर दो और ऑनलाइन चल रहा है, कोविड है यहाँ पर, तो इसलिए बच्चे भी कुछ घबराए से हुए हैं और बार बार वो पूछते हैं। तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, कॉलेजेस विथ एक्सट्रीमली लो कट ऑफ इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये के लिए वीडियो है। मेरी अब तक 6 या 7 वीडियोस रिलीज़ कर चुका हूँ मैं, हर में कुछ ना कुछ नया आपके साथ शेयर किया है। और कुछ डिमांड आ रही थी कि सर हमें बताया जाए कि लो कट ऑफ वाली कौन से कॉलेजेस हैं। मैंने इंडिविजुअल्स बनाए बीए, बीएससी, बीकॉम और एक जनरल भी बताया कि कट ऑफ ऐसे जा सकती है। और आज का जो मैं बताऊंगा, आप समझते ही हैं कि भाई जब लो कट ऑफ की बात आ गई है तो लो कट ऑफ में साउथ कैंपस के ही कॉलेजेस होंगे, नॉर्थ कैंपस में मेरिट बहुत हाई जाती है, कट ऑफ्स बहुत हाई जाती है। तो 95% के चांसेस रहते हैं, अप टू 95 कि भाई उनका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद वाले बच्चों का नॉर्थ कैंपस में एडमिशन होना लगभग इम्पॉसिबल सही लगता है। इक्का दुक्का कहीं कॉलेज में कहीं एक आध सीट बच जाती है, बच्चे माइग्रेट हो जाते हैं तो चांस बन सकता है, अदरवाइज बहुत ही कम रेयर चांसेस हैं। आज की जो एनालिसिस हम करेंगे वो स्ट्रीम वाइज करेंगे, पहली बात तो है, कॉलेज वाइज करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा। तो अब मैं सीधा लिए चलता हूँ अपनी एनालिसिस जो मैंने करी बैठकर, 2 दिन लगा मुझे इसको करने में, और करने के बाद अब जो मैंने रिजल्ट्स निकाले तो वो आपके साथ शेयर करूँगा और होप आपको ये अच्छा लगेगा। साइंस का लेक्चरर हूँ, साइंस की बात पहले करूँगा, बीएससी की बात करते हैं हम, पहले स्ट्रीम वाइज चलेंगे, पहले बीएससी, देन वी बीकॉम, देन बीए, टॉप टू ग्राउंड। बीएससी की जो 4th कट ऑफ हमने चुनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिस्ट्री ऑनर्स, जो फिजिकल साइंस का पार्ट है। स्क्रीन पे सब आ जाएगा, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं थोड़ा सा इधर साइड पे हो जाता हूँ, इधर स्क्रीन आ जाएगी, फिर थोड़ा सा कटिंग हो जाती है, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं सारा टाइप कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम मेरा लगेगा ज़रूर, लेकिन आप तक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँगा। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑनर्स केमिस्ट्री अप्लाइड साइंस 2 कॉलेजेस चुने हैं, महाराजा अग्रसेन कॉलेज फॉर बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर बीएससी
केमिस्ट्री ऑनर्स। जनरल कैटेगरी पहले ही क्लोज हो गई थी, फोर्थ कट ऑफ की बात कर रहे हैं, फोर्थ लिस्ट। ओबीसी की 82.33, एससी की 70, एसटी की 60, पीडब्ल्यूडी 65, ईडब्ल्यूएस क्लोज हो गई थी, सीटें नहीं बची थी। के एम कश्मीरी माइग्रेंट 78 पे क्लोज हुई। ये बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ एनालिसिस मैंने आपके साथ की और कॉलेज का नाम बताया, महाराजा अग्रसेन कॉलेज। जो पूरी वीडियो देखनी है आपने तभी आपको समझ पाएंगे। शहीद राजगुरु कॉलेज बीएससी ऑनर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स है केमिस्ट्री ऑनर्स करना, और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैं खुद भी एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हूँ, और आज गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट के एजुकेशन सेक्टर में कार्यरत हूँ। तो केमिस्ट्री एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है, आप समझ ही गए मैं केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ। तो जो बच्चे मेरी वीडियो देखेंगे तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। जनरल की फोर्थ कट ऑफ क्लोज हो गई थी, तो इसकी जो आप समझ सकते हैं जो पिछली इसकी थर्ड कट ऑफ है वहाँ पर ये रुक गई है। ओबीसी 84.3, एससी 76, एसटी 57, पीडब्ल्यूडी 60, ईडब्ल्यूएस 88, केएम 80.30। तो ये कट ऑफ लिस्ट बताई मैंने। सबसे पहले दो कॉलेजेस का कंपैरिजन किया, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज। अब आ जाएं आप बायोलॉजी वाले बच्चे, हमारे मेडिकल के बच्चे जो हैं हमारे, माइक्रोबायोलॉजी और दूसरा कॉम्बिनेशन मैं ले रहा हूँ फिर से केमिस्ट्री का, फिजिकल साइंस में केमिस्ट्री का बहुत डिमांड रहती है केमिस्ट्री की हमारी। कॉलेज है भास्कराचार्य कॉलेज और दूसरा कॉलेज देशबंधु कॉलेज। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, स्क्रीन के ऊपर सारी डिटेल्स होंगी तो आपने इसके बारे में कतई भी घबराना नहीं है, सब कुछ आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के साइड पे आ जाएगी। जनरल कैटेगरी क्लोज्ड, ओबीसी 85.33, एससी 83, एसटी 75 हाई जाती है मेरिट, पीडब्ल्यूडी 80, ईडब्ल्यूएस 87, केएम 81, बहुत ही हाई मेरिट्स पे एडमिशन क्लोज होती है। बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है हमारे साइंस के बच्चों के लिए। जनरल कैटेगरी की देशबंधु कॉलेज के अंदर 84 गई कट ऑफ लास्ट, ओबीसी की 80, ये लास्ट ईयर की बता रहा हूँ 2019 की, एससी 71, एसटी 56 बहुत डाउन आई, पीडब्ल्यूडी लगभग 56, और ईडब्ल्यूएस क्लोज हो गई थी, यहाँ पर सीटें नहीं बची थी, और केएम अगेन बहुत लो मेरिट इस कॉलेज के अंदर। इसका मतलब इसमें बहुत चांसेस हैं आपके लो परसेंटेज वाले बच्चों की एडमिशन, 56% गई। अब आप आ जाएं कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए बच्चों के लिए, बिजनेस स्टडी एंड अकाउंटेंसी वाले पढ़ने वाले बच्चों के लिए, इसमें सत्यवती कॉलेज और अरविंदो कॉलेज का एनालिसिस किया गया। बी कॉम ऑनर्स को एजुकेशन, जनरल कैटेगरी क्लोज, प्रोग्राम पहले फिर ऑनर्स दो हैं यहाँ पर हमारे पास। ओबीसी 80-81, एससी 72.5-72.75, एसटी 66-68, पीडब्ल्यूडी 62-63, ईडब्ल्यूएस 87.5 और क्लोज, केएम क्लोज क्लोज। अरविंदो कॉलेज के लिए प्रोग्राम में पहले और ऑनर्स में बाद वही कैटेगरीज रहेंगी, समझ ही गए होंगे आप। जनरल क्लोज हो गई थी, ओबीसी 79-80, एससी 73-75, एसटी 70-71, पीडब्ल्यूडी 72-73, ईडब्ल्यूएस क्लोज हो गई थी, और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 72-73। एक और कॉलेज चुना है मैंने गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए, जो हमारी प्यारी बिटिया हैं बीकॉम करना चाहती हैं, प्रोग्राम प्लस ऑनर्स दोनों के लिए, आदित्य महाविद्यालय और भारती कॉलेज।
जनरल कैटेगरी क्लोज ऑनर्स में 87, ओबीसी 74-77, एससी 68-75, एसटी 63-72, पीडब्ल्यूडी 68-77, ईडब्ल्यूएस दोनों क्लोज, केएम 68-78, बहुत हाई मेरिट्स हैं। भारती कॉलेज अनदर कॉलेज प्रोग्राम ऑनर्स जनरल कैटेगरी 88.50 क्लोज होगी ऑनर्स के लिए, ओबीसी क्लोज 80.50 ऑनर्स प्रोग्राम में क्लोज 73.50, 58-59, 65-66, 86-89, 75-77। तो ये थी हमारी बीकॉम की कट लिस्ट जो आपने मेरे साथ शेयर मैंने आपके साथ शेयर की। अब आप आ जाएं बीए प्रोग्राम के लिए। सब्जेक्ट्स चुने हैं मैंने पहले इंग्लिश ऑनर्स और हिंदी ऑनर्स। को एजुकेशनल कॉलेज है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए कंबाइन, मोतीलाल नेहरू कॉलेज और देशबंधु कॉलेज। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई 89, ओबीसी की 83, एससी की 79.50, एसटी की 82, पीडब्ल्यूडी 68, ईडब्ल्यूएस 87 एंड केएम 79। देशबंधु कॉलेज हिंदी ऑनर्स जनरल कैटेगरी कट ऑफ क्लोज हो गई, ओबीसी में 72.75, एससी 71.25, एसटी 60, पीडब्ल्यूडी 60, ईडब्ल्यूएस 75 और केएम 60। तो यहाँ पर देशबंधु कॉलेज आपको ऐसा नज़र सा आ रहा है, एनालिसिस करने के बाद मुझे भी नज़र आ रहा है, आप लोगों को भी लगेगा, जिसके अंदर जो कट ऑफ्स हैं वो लो जाती है। अब बीए प्रोग्राम के लिए एक और कॉलेज भागनी निवेदिता कॉलेज और भारती कॉलेज का कंपैरिजन, बीए हिंदी और बीए साइको ऑनर्स जनरल कैटेगरी क्लोज, ये भागनी निकिता कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ओबीसी 63, एससी 59, एसटी 58, पीडब्ल्यूडी 62, ईडब्ल्यूएस 62, केएम 62। इसमें भी आप देख रहे हैं लो मेरिट के बच्चों का एडमिशन बीए हिंदी ऑनर्स में हो जाता है, नोट करके रखेंगे भागनी निवेदिता कॉलेज। भारती कॉलेज अगला है जिसके अंदर साइको ऑनर्स जनरल कैटेगरी क्लोज हो गई थी, ओबीसी की 82, एससी की 81, एसटी की 75, पीडब्ल्यूडी 75, ईडब्ल्यूएस 91 और केएम 87, हाई मेरिट सेमिटर। अब आपको थोड़ा सा और मैं ब्रीफ कर देता हूँ, लास्ट में समराइज कर देता हूँ। इन कॉलेजेस में कम परसेंटेज वाले बच्चों का एडमिशन हो सकता है, लेकिन आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपना कट ऑफ्स चेक करते रहें। आदित्य महाविद्यालय, देशबंधु कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, आर्यभट्ट कॉलेज, पीजीडीएवी कॉलेज, मॉर्निंग इवनिंग दोनों शिफ्ट्स हैं, राजधानी कॉलेज, को एजुकेशन कॉलेज, शिवाजी कॉलेज मॉर्निंग इवनिंग, भारती कॉलेज, भागनी निकेतन निकिता कॉलेज, अभी जो मैंने आपके साथ बताया डिस्कस किया, निकिता है सॉरी निवेदिता नहीं है, निकिता कॉलेज, दीनदयाल कॉलेज, इनकी लास्ट ईयर की कट ऑफ्स लो गई थी। तो ये कुछ कॉलेजेस के नाम मैंने आपको बताए जो मेरी स्क्रीन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर आप अपनी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके चांसेस जो रहेंगे एडमिशन के काफ़ी रहेंगे। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। इसके रिलेटेड कुछ वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जब आप करेंगे या प्लेलिस्ट खोल लेना तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो अगली जो मेरी वीडियो रहेगी वो भी काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको पहले से बता दूँ, अपकमिंग जो मेरी वीडियो रहेगी दैट विल बी हाउ टू कैलकुलेट द बेस्ट फॉर फोर सब्जेक्ट्स इन DU। DU के अंदर अलग सा सिस्टम है जिसके अंदर बेस्ट ऑफ फोर सब्जेक्ट्स कैलकुलेट करके एडमिशन्स क्या नोटिफिकेशन होती है, स्ट्रीम चेंज करने के भी नंबर डिडक्ट कर लिए जाते हैं, और किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा रूल्स नहीं है, प्रावधान नहीं है, तो इसलिए काफ़ी सारी क्वेरीज आती रहती है। तो उसी के ऊपर अगला मेरा टॉपिक रहेगा, अभी मैं उसी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा वो स्टडी पूरा हो जाएगा मुझे खुद समझ आ जाएगा, देन आई विल
ट्राई टू एक्सप्लेन यू गाइज. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल्स. थैंक यू टू एवरीबडी. और मेरा बहुत बहुत आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, चैनल की ग्रोथ हो रही है. तो इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल्स को, चैनल की वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें. और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. थैंक यू.